आरहत वांग्मय में कहा गया है, एवं भव संसारे संसरई सुहासुहेहिं कम्येहिं जीवोपमाय बहुलो समयं गोयम मापमाय। साधु जा रहा था, मार्ग में एक कोई सेठ धनवान व्यक्ति एक मैदान में खड़ा था और वहाँ शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा था। सेठ आसपास खड़े लोगों को बता रहा था कि आज ऐसे मकान का शिलान्यास हो रहा है जो विशालतम बनेगा, इतना बड़ा बनेगा कि मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों के सारे सदस्य एक ही मकान में समा सकेंगे। इतना बड़ा मकान बनाऊंगा, बहुत बढ़िया आलीशान बनाऊंगा। वह लोगों को यह बता रहा था और साधु पास से गुजरा। साधु ने सेठ की ओर देखा, सेठ ने साधु की ओर सहज भाव से देखा, दोनों की आंखें मिली। साधु मुस्कुराने लगा, मुस्कुरा करके आगे बढ़ गया। सेठ के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि यह साधु मेरी ओर देखा और मुस्कुराया, आगे चला गया, इसको हंसी आई थी थोड़ी सी, क्या बात है, साधु हंसा क्यों था? अब साधु तो आगे बढ़ चुका था, अब सेठ ने भी बात को आई गई कर दिया, कोई बात नहीं। कुछ दिन बीते, एक दिन वह सेठ अपने मकान में बंगले में था और वही साधु भिक्षा के लिए आया। ऊपर सीढ़ियां चढ़कर के गया, वहां उसको भिक्षा मिल भी गई। भिक्षा लेकर के वापिस नीचे उतरा और नीचे का जो कमरा था उसमें सेठ बैठा था और नौकर ने सेठ साहब के लिए सोने की थाली लगाई भोजन के लिए। सेठ सोने की थाली में भोजन लिया करता था, वो सोने की थाली लगा दी। एक सेठ का बच्चा कुछ महीनों का पास में था, तो भी वो नौकर भोजन लाने गया था और वो बच्चे ने सोने के थाल में पेशाब कर दिया। नौकर आया कि सेठ साहब ये गंदा हो गया, साफ करता हूँ। सेठ ने कहा क्या साफ करना है, थोड़ा ऐसे टेढ़ा किया पेशाब को गिरा, इसी में खाना परोस दो, कोई खास बात नहीं, क्या बच्चा ही तो है, हमारा ही बच्चा है, शुद्ध बच्चा है, कोई खास बात नहीं, इसी में खाना परोस दो। सोने के थाल में जो पेशाब से लिपटा हुआ था उसी में खाना ले लिया। हालांकि पेशाब के बारे में बात आती है कि एक साधना तपस्या होती है जिसमें तपस्वी अपने मूत्र को पीता है, अपने मूत्र को पीता है, और मूत्र चिकित्सा भी होती है, स्वयं मूत्र चिकित्सा, मूत्र के द्वारा रोग की चिकित्सा भी की जाती है। और वैसे पेशाब को शुद्ध भी माना गया है, खैर यह एक अलग विषय की बात है। तो सेठ ने उस पेशाब से लिपटे थाल में खाना ले लिया और उसी समय साधु वो वहाँ से गुजर रहा था, तो साधु ने सेठ को देखा और सेठ ने साधु को देखा, दोनों की आंखें मिली, फिर साधु को हंसी आ गई और साधु आगे बढ़ गया। सेठ ने सोचा रे वो लगता तो वही साधु है, पहले भी मिला था, हंसा था, आज फिर हंस गया। खैर अब साधु लोग गए, इनसे झगड़ा तो क्या करें, जाने दो।
फिर कई दिन बीते, सेठ की दुकान बाजार में थी, वो अनाज की दुकान थी। तो सेठ उस अपनी दुकान में बैठा था, गद्दी पर आसीन था। दो एक नौकर भी दुकान में थे। एक हट्टा कट्टा बकरा दौड़ता दौड़ता आया, दुकान में घुसा। बहुत मोटा ताजा ऊंचा बकरा था। सेठ ने नौकरों से कहा, रे ये अनाज को कहीं खराब कर देगा, इसको बाहर निकालो। एक नौकर खड़ा हुआ, उसको निकालने की चेष्टा की, बकरा खूंखार सामने हो गया। दूसरा नौकर फिर उठा, उसने भी प्रयास किया, बकरा नहीं निकला। तब सेठ ने कहा, रे तुम लोग जवान कहलाते हो, 20-25 वर्ष की उम्र के हो, एक बकरे को नहीं निकाल सके, क्या जवान हुए तुम? लाओ लठ मुझे दो, मैं निकालता हूं। वो सेठ खड़ा हुआ, लठ हाथ में लेकर के बकरे के माथे में 2-3 जमाई लाठी से, लठ से। बकरा वो 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 करता हुआ बाहर निकल गया, भाग गया। अब सेठ ने कहा, देखा ना मेरे में कितनी ताकत है, तुम तो नाम के जवान हो, कागजी जवान हो, मैं असली जवान हूँ। हालांकि उम्र तो कुछ आ गई, पर जवानी अभी भी है। देखो बकरे को मैंने निकाल दिया, तुम नहीं निकाल सके। यूं वो नौकरों को बता रहा था अपनी ताकत के बारे में। उसी समय सेठ की दृष्टि सामने की ओर गई, सामने वो साधु का उपाश्रय था। साधु चहल कदमी कर रहा था, साधु ने भी सेठ को देख लिया, ये बात कहते हुए बात सुन भी ली। दोनों की आंखें मिली, सेठ की और साधु की, फिर साधु को हंसी आ गई, साधु हंसने लगा। अब सेठ ने सोचा, रे मामला कोई गड़बड़ है, यह साधु तीसरी बार आज मेरे सामने देखकर हंस रहा है, अब मैं सहन नहीं कर सकता, यह क्या तरीका है देखना किसी को फिर हंसना, यह तो एक सभ्यता की बात भी नहीं है, ऐसे एक बचकानापन है, एक देखना हंसना, देखना हंसना, साधु से बात करनी चाहिए। वह सेठ वो पगड़ी सिर पर रखी, रोड को पार किया और साधु के उपाश्रय में गया। महाराज नमस्कार, महाराज नमस्कार। अच्छा सेठ साहब बोलिए, कैसे आना हुआ? आना क्या हुआ महाराज, आज तो आपने ही मुझको बुला लिया। हमने कब बुलाया? आपने महाराज, क्या बताऊं अब बात, आप साधु लोग और अब पर बिना कहे रह भी नहीं सकता, आप थोड़ा सा विराजिए कमरे में, मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। ठीक है सेठ साहब, साधु कमरे के अंदर चले गए, पट पर आसीन हो गए। बोला महाराज एक बात मुझे बड़ी कचोटती है आपकी, तो आप में कोई हंसने की कोई ये कोई बीमारी है क्या, बार बार हंसने की क्या है आप में? ये 3 बार मैंने देख लिया आपको आज तक, 3 बार आप मेरी ओर देखे हंसे, देखे हंसे, ये क्या बात है आपकी? हम लोग गृहस्थ हैं ना, वो भी एक सभ्यता का ध्यान रखते हैं, अब आप साधु और ऐसे देखना और हंसना हंसी करना ऐसे कोई अच्छी बात नहीं लगती ना, ये तो आप साधु लोगों तो और ज्यादा एक महान होना चाहिए। मान लो बच्चे तो फिर भी कोई हंस जाए, कोई कुछ कर दे, बच्चे तो कर दे, आप तो बड़े उम्र के हो गए हैं, युवावस्था के हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब उम्र वाले हैं, तो यूँ किसी की ओर देख देख करके हंसना एक सभ्यता की बात नहीं होती है। अगर कोई कारण है हंसने का तो आप मुझे बताइए, किस कारण से आप हंसते हो, क्यों हंसे, 3 बार हंस गए आप? साधु जी चुपचाप सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए। आदमी को सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए, यानी मौके पर तो बोलना होता है, बाकी सुन लो सुनना हो तो बोलना कम चाहिए, काम की बात तो कहनी चाहिए। साधु बोला कि सेठ साहब और कुछ कहना नहीं, मैंने कहना सो कह दिया। सेठ साहब बताइए मैं कब कब हंसा था?
कि महाराज पहली बार तो कई दिन हो गए हैं, वो एक मेरा मकान का शिलान्यास हो रहा था, वहाँ आप गुजरे थे मेरे पास में से, मेरी आपकी दृष्टि मिली, आप वहाँ हंसे थे। तो महाराज आप उस समय क्यों हंसे, इतने लोग आए हुए थे और आप यूँ हंसे, बीच में चले गए, हालांकि सबने नहीं देखा होगा, मैंने देख लिया आप हंसे थे, आप उस समय क्यों हंसे थे। साधु बोला, सेठ साहब मेरे में न तो हंसने की बीमारी है, न मैं कोई बचकानापन से हंसता हूँ, आप इस बात को साफ कर लीजिए, मेरी बीमारी नहीं है हंसने की, न मैं कोई बचपन करता हूँ हंसने में, मेरे हंसने के पीछे कारण है। अच्छा, अब थोड़ा सा सेठ सहमा कि महाराज तो कोई लगता है कोई अच्छे साधक आदमी है, पैरों के हाथ लगाए, महाराज फरमाइए आप उस दिन क्यों हंसे थे वो शिलान्यास के समय में। साधु ने पूछा, जी मकान जो आप बना रहे हो उसमें आप कितने बरस रहोगे। बोला महाराज बरस तो अभी तो मुझे कितनी उम्र आई है, अभी तो 50 भी पार नहीं किए मैंने, और अगर योग है तो 80-90 मान लो अगर आएंगे तो मकान बनने में मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल लगेंगे मकान पूरा बनने में, उसके बाद तो मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा, वहीं रहूंगा, मेरा परिवार वहां रहेगा। आप कल्पना कर लीजिए कि कम से कम 25-30-35 साल तो शायद वहां रहने का मौका मिल जाए मुझे। साधु ने कहा, शेर साहब मनोबल रखना, हिम्मत रखना, मेरा ज्ञान कहता है आपका आयुष्य आज से 7 दिन का बचा है, 7 दिन का आयुष्य शेष रहा है। तो मैंने वहां जब आपकी इस बड़ी योजना को सुना, ऐसा होगा वैसा बनाऊंगा, तो मैंने देखा रे आयुष्य तो बहुत थोड़ा है शेर साहब का, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इतना बड़ा मकान बनाऊंगा, वो करूंगा वो करूंगा, तो कौन बनाएगा मकान को, आयुष्य इतना थोड़ा है, आज से तो 7 दिन ही बचे हैं अब आयुष्य के। अच्छा, अब सेठ साहब काफी धक्का सा लगा भी, इतना कम आयुष्य बचा है। बोला मुनीश्वर आपकी यह बात तो ठीक है, इतना कम आयुष्य, मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, यह तो आपका हंसना ठीक ही था। दूसरी बार महाराज आप वो हमारे घर में आए थे भिक्षा के लिए, और आप नीचे से गुजरे मेरे कमरे के सामने से, वहां आप फिर हंसे, वहां क्यों हंसे थे। बोला सेठ साहब वो कौन था बच्चा, गया महाराज अब यह हमारे घर की बात है, हमारे घर की बात है, मेरा बच्चा था, मान लो बच्चा था, पेशाब कर दिया थाल में, कौन सा अपराध हो गया, मेरा ही तो बच्चा था, और मैंने उसी थाल में थोड़ा थाल को टेढ़ा किया, बिना थाल को धोए उसी में खाना ले लिया, ये मेरी व्यक्तिगत बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात थी। साधु ने पूछा सेठ साहब वो बच्चा कौन था। अब कौन तो क्या, मेरा बच्चा था और तो कौन था, नहीं पिछले जन्म में कौन था वो। हाँ पिछले की बात तो आप कोई आप जैसे ज्ञानी भले जाने, मुझे तो क्या पता पिछले जन्म में कौन था। सेठ साहब आपको याद है क्या, 1 साल से कुछ महीने अधिक हो गए होंगे, एक आदमी की आपने हत्या करवाई थी, अरे ये बात आपने जान ली, मुझे पता है एक सुपारी देकर आपने एक आदमी की हत्या करवाई थी। सेठ का मुंह नीचा हो गया, बात तो सही है, मैंने एक आदमी की हत्या करवाई थी, थोड़ा आदमी वो ऐसा ही था, मैंने मरवा दिया था, घर में जब कभी भी आ जाता और घर में मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैंने मरवा दिया था। सेठ साहब वो आदमी मर करके आपका बेटा बन गया, वो खराब, वो दुश्मन मेरा बेटा, हाँ वो बेटा बना आपका। ब्रजति तन यो पिननु जनक ताम, तनये ताम ब्रजति पुनरेसरे, भावयन विकृति मिति भवगतिस
त्यजत माम नृभव शुभ शेषरे कलय संसार मति जन्म मरणादि भय भीतरे मोहरि पुणेह सगल ग्रहम प्रतिपदम विपद मुपनीतरे कलय संसार मति। इस संसार में बेटा अगले जन्म में बाप बन जाए, बाप बेटा बन जाए, कोई कुछ बन जाए, तो सेठ साहब वो आदमी जो आपका दुश्मन सा था वो आपका बेटा बन गया है। बोला महाराज बहुत बुरा हुआ ये तो। खैर महाराज तीसरी बार अभी कुछ मिनटों पहले की बात है, मैं दुकान में था, आप फिर मुझे देखकर हंसे थे, वो क्या बात क्यों हंसे थे? बोला सेठ साहब आप क्या कर रहे थे? मैं वो बकरा घुस गया था तो मैंने नौकरों से कहा अनाज खराब करेगा निकालो, नौकरों से निकला नहीं तब मैंने निकाला और आपने देख लिया, तो आपको हंसी किस बात की, इसमें क्या खास बात थी? बोला सेठ साहब खास बात तो यह है वो बकरा कौन था, बकरा तो बकरा था और तो कौन था, पहले पिछले जन्म में कौन था? अभी पिछला जन्म मैं नहीं जानता, अभी तो बकरा है। शेर साहब आपके पिताजी का क्या नाम? महाराज मेरे पिताजी का नाम सेठ श्रीधर जी था। देखिए शेर साहब आपके पिताजी इसी दुकान में बैठते थे, वे व्यवसाय में ठगी धोखाधड़ी करते थे, झूठ बोलते, कपट करते, ग्राहकों को ठग लेते, ऐसे आचरणों से माया झूठ करके उनकी गति खराब हो गई, वे मर करके बकरे की योनि में आ गए। आपका पिता बकरा बन गया। वह बकरा कुछ कोस दूर गांव में था और उधर कोई लगा कि कसाई लोग हैं, तो बकरा वहां से भागा प्राण बचाने के लिए। भागते भागते इस कस्बे में घुसा, यह बाजार आया, बाजार को देखा तब बकरे को लगा रही यह बाजार तो मेरा परिचित है, यह बाजार तो मेरा परिचित है और यह दुकान तो बहुत ज्यादा परिचित है मेरे से। थोड़ा सा दिमाग को घुमाया, भीतर में गया, चिंतन में गया, गहराई में गया, तो बकरे को जाति स्मृति ज्ञान हो गया, पिछले जन्म का ज्ञान हो गया। अरे यह दुकान तो मेरी है, मैं इसमें बैठता, मैंने दुकान शुरू की थी, अब मेरा बेटा दुकान का मालिक है, मैं दुकान में चला जाऊं शायद मेरा बेटा मुझे रख लेगा, कसाईयों के हाथ में जाने से मैं बच जाऊंगा। तो वह बकरा दुकान में घुसा था इस आशा के साथ कि मेरा बेटा मुझे जरूर बचा लेगा, इसलिए घुसा था। आपको पता नहीं था, आप मानो ऐसे सपूत निकले, बाप को भगा दिया मार करके। अरे मेरे पिताजी की आत्मा, पिताजी के जीव है महाराज, आप तो अभी जाता हूं उनको लेकर के आता हूं, बकरे को लेकर आता हूं मैं। साधु जी बोले शेर साहब बस हो गया, अब क्या लाओगे आप? आपने बाहर निकाला और वो जमदूत बारी खड़े थे, वो तो कसाई बाहर खड़े थे, उन्होंने पकड़ा ले गए आगे, काम खत्म किया उसका, अब क्या लाओगे? अच्छा बहुत बहुत बुरा हुआ ऐसे। तो शेर साहब मुझे हंसी आई, जो बाप था उस बात को यूं निकाला जा रहा है। महाराज आपका हंसना तो बिल्कुल ठीक है, हम तो अज्ञानी लोग हैं। महाराज अब क्या बताऊं आपको, आयुष्य तो आपने घोषणा कर दी 7 दिन का ही बचा है, घर में वो दुश्मन मेरा बेटा बना हुआ है, उपकारी पिता को मैंने यूं निकाल दिया जो बकरे की योनि में थे, अब इतना कम आयुष्य है तो क्या करूं? अब सेठ साहब करो क्या, घर को छोड़ो और साधु बनो, संथारा लो, कल्याण हो जाएगा। सेठ जी घर में गए, परिवार वालों को बताया, अनुमति ली, साधु के पास आकर के दीक्षित हो गए, साधु ने संथारा भी पचकाया, ठीक 7वां दिन आया, संथारा सिद्ध हो गया, सेठ साहब की आत्मा उच्च गति में चली गई।
यह एक कथानक या प्रसंग संसार की स्थिति को बता रहा है। संसार में कैसे हमारी आत्मा भ्रमण करती है। शास्त्र में कहा, एवं भव संसारे संसर ई सुहा सुहेहिम कम्येहिम जीवो पमाय बहुलो समयम गोयम मा पमाये। इस भव संसार में यह हमारी आत्मा शुभ अशुभ कर्मों के कारण से संसरण करती है, भ्रमण करती है। यह प्रमाद बहुल जीव है, संसार में भ्रमण करता है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। हम सब मनुष्य हैं, 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। आदमी मरकर के नरक में भी जा सकता है, आदमी मरकर के त्रियंश गति पशु आदि की योनि में पैदा हो सकता है, आदमी मरकर वापिस आदमी भी बन सकता है, आदमी मरकर देवगति में भी जा सकता है, और आदमी मरकर साधना सिद्ध हो जाए तो मोक्ष में भी जा सकता है। तो ये 4 गतियां संसार की, 5वां स्थान मोक्ष का है। हम इस बात पर ध्यान दें कि जितना हमारा बचाव पाप कर्मों से हो सके। 18 पाप बताए गए हैं जैन तत्वज्ञान में, जैन विद्या में। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, परिशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या, दर्शन, शल्य, 18 पाप हैं। इन 18 पापों से जितना आत्मा को बचाया जा सके, गृहस्थों को भी प्रयास करना चाहिए कि पापों से आत्मा बचे, धर्म के मार्ग पर चले, तो आत्मोत्थान हो सकता है।